आपको एडिटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता कि भैया एडिटिंग कैसे करे फोन से। जितनी भी एडिटिंग होती है मेरी सब फोन से होती है, और मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं कौन सा ऐप यूज करता हूँ एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए। यानी आपको कुछ नहीं आता एडिटिंग में तो सिंपली ये वीडियो को देखना है। कौन से आसान ऐप रहेंगे आपके लिए, आपके फोन के हिसाब से आसान और बेस्ट ऐप रहेंगे। एक कमाल की एडिटिंग होगी तो आपका यूट्यूब वीडियो भगेगा रफ्तार से। तो कमाल की एडिटिंग करने के लिए कमाल के ऐप भी जरूरी है। तो ऐप मैं कौन से यूज करता हूँ, मैं चार ऐप यूज करता हूँ मोबाइल की एडिटिंग के लिए। सबसे बेस्ट ऐप है मेरे, और भी बहुत सारे ऐप है लेकिन मैं उसका यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को ये चार में वो फीचर मिलते जो अदर ऐप में नहीं मिलते। और चार में से एक मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है जिसमें सब चीज मिल जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो मैं ऐप बता रहा हूँ उसका कारण क्या है इसको यूज करने का, ये पहले आपके लिए जानना जरूरी है। क्योंकि देखो कुछ ऐप में कुछ ये चीज है, कुछ वो वाले ऐप में वो वाली चीज है, यानी जो मेरे को चाहिए। और आपको बेसिक ऐप बता रहा हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से एडिटिंग कर सकते हो। आपको पढ़ना आता हो लिखना आता हो उससे फर्क नहीं गिरता, आपको समझ आता हो इससे फर्क गिरता है। तो यहाँ पर देखो मैं सबसे पहला ऐप यूज करता हूँ VN। पहले उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब ठोक दे यार, चलते चलते एक सेकंड लगता है बस। तो मैं VN ऐप यूज करता हूँ। तो यहाँ पर बेसिक सी दो चीज मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है VN ऐप में। सबसे पहले ट्रांजिशन। ट्रांजिशन यानी क्या होता है आपको नहीं पता होगा। जिस ही मैंने ये वीडियो को कट किया, अब कट करने के बाद यहाँ पर कुछ बार जैसा दिख रहा है, इसमें क्लिक किया अब इतने सारे ट्रांजिशन दिख रहे हैं। अब एक एक करके क्लिक किया तो ये इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, जो अदर ऐप में नहीं मिलते मेरे को इतने अच्छे, इससे बेस्ट नहीं मिलते। और सेकंड रीजन है ये जो VN ऐप है इसमें वाटरमार्क, जो VN जैसी काइन मास्टर का आप ऐप लेते हो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, वहाँ पर ऊपर में काइन मास्टर लिख के आता है, उससे पता चलता है कि भाई इसका जो वीडियो एडिट किया गया है काइन मास्टर से एडिट किया गया है, और अच्छा भी नहीं दिखता ना। तो यहाँ पर वाटर मार्क नहीं मिलता VN का। अब उसके बाद सेकंड वाला जो ऐप है मेरा मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि देखो नए यूट्यूबर हो, नए यूट्यूबर रहते तो भैया स्टॉक फुटेज कहाँ से लाए, स्टॉक इमेज कहाँ से लाए, अरे ये तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैं सेकंड ऐप यूज करता हूँ, उसको बोलते हैं मोशन निंजा ऐप। तो मोशन निंजा ऐप में इसलिए यूज करता हूँ, इसमें भी वही फीचर है जो VN में है, इसमें भी वही है। लेकिन यहाँ पर सेकंड रीजन है मेरा VN ऐप यूज करने का कि भैया मेरे को स्टॉक फुटेज यहीं से मिल सकते हैं, मैं डायरेक्ट डाउनलोड करके मेरे वीडियो में अटैच कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये मोशन निंजा ऐप यूज करता हूँ। अगर मेरे को स्टॉक फुटेज ग्रीन स्क्रीन वगैरह इमेज वगैरह नहीं मिल रही है, और यहाँ से कॉपीराइट भी नहीं मिलता, कॉपीराइट का इश्यू भी नहीं रहता, जिसे आप यूज़ करते हो आपकी वीडियो में तो कोई इशू नहीं रहता, ठीक है आराम से यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद थर्ड नंबर का जो ऐप है मैं यहाँ पर बेसिकली की यूज़ करता हूँ, इसमें फिल्टर बहुत अच्छे हैं। जैसे आपका एक कोई भी एक पर्टिकुलर वीडियो है उसका यानी क्लैरिटी अच्छी नहीं है तो इनसॉर्ट ऐप का यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पर जो फिल्टर रहते हैं वीडियो के लिए बहुत ज़बरदस्त रहते हैं, आप अपने मन से एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर 0.5 वाली कटिंग है, यानी ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है कटिंग करने में। तो यहाँ पर इतने सारे फिल्टर हैं, इनमें से आप कोई भी यानी सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर एडजस्ट का भी ऑप्शन मिलता है कि भैया एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको ब्राइट कितना करना है वीडियो को, कितना यानी शैडो करना है, कितना कॉन्ट्रैक्शन रखना है, तो इस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है फोर्थ नंबर का, ये मेरा सबसे बेस्ट ऐप है और मैं इसको बेसिकली यूज़ करता हूँ हर यूट्यूब वीडियो में, इसको बोलते हैं काइन मास्टर। तो ये जो काइन मास्टर ऐप है मैं इसको क्यों यूज करता हूँ, सबसे मेन जरूरी चीज, ये तीन में से सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट यही है। अब इसमें देखो ये जो तीन ऐप है, ये तीन ऐप में से एक ऐप का फीचर नहीं है, मैं डायरेक्ट बोलता नहीं है, यानी फिल्टर का फीचर नहीं है, यानी वीडियो को क्लियर नहीं कर सकता अच्छे से, तो मैं हेल्प लेता हूँ इनसॉर्ट की। लेकिन बाय द वे यहाँ पर दो चीज ऐसी है जो मैं इसको रेफर करता हूँ, यूज करता हूँ, जो बाकी अदर तीन ऐप में नहीं मिलेगी। तीन में से एक में मिल जाएगी लेकिन तीन में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आती है, इसमें सब फीचर है, सब जितने भी कोई अदर ऐप में नहीं होंगे ना जितना इसमें। तो यहाँ पर मैं सबसे बेसिक सी चीज मैं बताता हूँ, म्यूजिक के लिए मैं यूज करता हूँ। जैसे मेरी बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चल रहा है, अभी म्यूजिक चल रहा है उसको कम ज्यादा कहाँ पर लो करना है साउंड, जैसे ये अभी मैंने अप कर दिया म्यूजिक को, मेरा बोलना तो चालू है लेकिन ये म्यूजिक अप हो गया फिर डाउन हो गया, ये कैसे करते हैं जो अदर ऐप में नहीं है। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम वाला ऑप्शन है, इसमें से मैं करता हूँ ये सब, यानी यहाँ पर म्यूजिक सिलेक्ट कर लिया, इसको सेट कर दिया, मेरे को कहाँ कम रखना है कहाँ ज्यादा रखना है ऊपर नीचे कर लेता हूँ। और इसके बाद सेकंड नंबर की चीज जो एक्स्ट्रा की मिलती है यहाँ पर, क्रोमा की, मीन्स कैसा ग्रीन स्क्रीन का कोई भी चीज लाओ
और यहाँ पर अटैच करो इस टाइप से, जैसे ये सब्सक्राइब बटन है, इसको ग्रीन स्क्रीन में मैंने ऐसा कुछ यानी किया था, तो यानी ग्रीन स्क्रीन में रहता है ये एनिमेशन, मैं इस टाइप से मेरे वीडियो में अटैच करता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब और लाइक का यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये बेसिक से ऐप है जिसको आपको रखना ही चाहिए, 100% रखना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐप बहुत जबरदस्त है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता और साथ में आपका भी मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप लाइक करते हो और सब्सक्राइब भी करते हो मेरे चैनल को, इसलिए धन्यवाद। तो मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।